दुनिया को दो धड़े में बांट चुके रूस और यूक्रेन युद्ध में एक ऐसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसकी खासियत ने कई देशों को अपना खरीदार बना लिया। किलर ड्रोन कहे जाने वाले इस यूएवी मशीन को तुर्की की डिफेंस कंपनी बायकर ने बनाया है। यूएई समेत कई देशों से ड्रोन बेचने को लेकर कंपनी की डील भी चल रही थी। दरअसल तुर्की ने दुनिया भर में किलर ड्रोन के नाम से मशहूर बराक्तर TB2 के लिए पहले पाकिस्तान और अब यूएई से डील कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की ने 20 खतरनाक ड्रोन यूएई को सप्लाई भी कर दिए हैं और इस महीने और भी ड्रोन यूएई भेजे जा सकते हैं। खास बात है कि सऊदी अरब भी ड्रोन खरीदारी की लाइन में था, लेकिन तुर्की ने पहले यूएई को चुना। वहीं भारत को ये ड्रोन बेचने के मामले में तुर्की लगातार चुप्पी साधे हुए है। इस किलर ड्रोन को बनाने वाली तुर्की की डिफेंस कंपनी बायकर टेक्नोलॉजी के CEO हालुक बायरक्तार ने निकी एशिया को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत को ड्रोन देने से इनकार किया था। CEO ने कहा था, हथियार बेचने के लिए तुर्की के मित्र देशों पाकिस्तान, अजरबैजान और यूक्रेन को वरीयता दी जाएगी। तुर्की के बायरक्तार TB2 नाम के इस फाइटर ड्रोन को काफी एडवांस तकनीक के साथ बनाया गया है, जिसने यूक्रेन रूस युद्ध में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर पूरी दुनिया इसकी मुरीद हो गई। तुर्की के पास खरीदारों की लाइन लग गई। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने के बावजूद खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसके फैन हो गए और ड्रोन निर्माता कंपनी के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। हालांकि तुर्की, जो खुलकर युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में था, उसने इस पर साफ इनकार कर दिया। यूएई और सऊदी अरब को अब ऐसे खतरनाक ड्रोन की खास जरूरत पड़ रही है, जिसके पीछे की वजह ईरान को बताया जा रहा है। बात अगर भारत की करें तो भारत का रक्षा क्षेत्र तुर्की पर निर्भर नहीं है। यूं तो ड्रोन सप्लाई के लिए भारत के लिए और भी अच्छे साथी देश हैं, लेकिन भारत इस समय अपने ही स्वदेशी ड्रोन तापस BH-201 यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजॉन 201 पर काम कर रहा है। भारत का तापस भी काफी एडवांस तकनीक का ड्रोन है, जिसे आर्म्ड मिशन ही नहीं निगरानी के लिए भी काफी अच्छा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सबसे खास बात है कि भारत का तापस न सिर्फ तुर्की की TB2 ड्रोन से लंबाई में बड़ा है, बल्कि रफ्तार में भी काफी तेज है। साथ ही भारतीय तापस की तुर्की TB2 ड्रोन से अधिक ऊंचाई पर आराम के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तापस 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा ड्रोन है, जिसका वजन करीब 1800 किलो है और ये 130 से 180 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। जाहिर है तुर्की के ड्रोन के ऊपर ही सिर्फ भारत की सैन्य मजबूती नहीं टिकी है और अपना बेड़ा मजबूत करने के लिए भारत के पास तुर्की से बेहतर साझेदार और खुद उसकी क्षमता मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।